इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया बमोरी जीतने के बाद राधोगढ़ पहुंचे, जहां एक और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए राधोगढ़ एक अवैध किला के रूप में है, जिसे आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी तोड़ नहीं पाई और यहां पर परचम हमेशा कांग्रेस पार्टी का ही लहराता है। इसका मुख्य कारण पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का निवास होना बताया जाता है। अपनी पहली आम सभा में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने हुंकार भरते हुए कहा कि भाजपा का कब्जा नगर पालिका राधोगढ़ पर भी होगा। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राधोगढ़ नगर पालिका सबसे पैसे वाली नगर पालिका है, उसके बावजूद भी यहां पर कोई विकास कार्य होते नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि इस बार राधोगढ़ पर भी भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराना चाहिए। वहीं मंच पर से उन्होंने अधिकारियों को लताड़ते हुए कहा कि मैं जल्द ही अधिकारियों की बैठक लेने वाला हूं, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे ना ला दे जाएं, उस पर बात कर लूंगा और यदि कोई अधिकारी नहीं मानता है तो उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा। इस मौके पर गुना विधायक गोपीलाल जाटव, पूर्व विधायक ममता मीना, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष समेत कार्यकर्ता एवं किसान मौजूद रहे। चाचोड़ा की पूर्व विधायक की नहीं बल्कि गुना जिले की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की ओजस्वी नेता आदरणीय ममता मीना जी, हमारे जिले के कर्मठ जिलाध्यक्ष आदरणीय गजेंद्र सिकरवार जी, हमारे चाचोड़ा की पूर्व विधायक की नहीं बल्कि गुना जिले की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की ओजस्वी नेता आदरणीय ममता मीना जी, हमारे जिले के कर्मठ जिलाध्यक्ष आदरणीय गजेंद्र सिकरवार जी, हमारे गुना के सम्माननीय विधायक आदरणीय गोपीलाल जाटव जी, मंच पर मेरे साथ उपस्थित हमारे आदरणीय चेतन भार्गव जी, आदरणीय हरि सिंह यादव जी, आदरणीय सूर्य प्रकाश तिवारी जी, आदरणीय श्यामलाल जी और रुठियाई